प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। पिछले 1.5 साल से लगातार हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जनता के सहयोग से, और मुझे कहते हुए संतोष है कि तात्कालिक रूप से कोरोना पर नियंत्रण पाने में हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन असावधान नहीं रहना है, सावधानी जरूरी है। और कोविड से जंग में सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन। हम टीका लगवाएं, प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में वैक्सीनेशन का काम मध्य प्रदेश में भी तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी फ्री में वैक्सीन हमें दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 75% से ज्यादा भाई बहनों को, पात्र आबादी को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। लेकिन अभी भी लोग बचे हैं, और इसलिए हमारा संकल्प है कि 30 सितंबर तक हम मध्य प्रदेश की पात्र जनसंख्या को वैक्सीन का पहला डोज लगा देंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर अभी तक आपने वैक्सीन न लगवाई हो तो बिल्कुल देर मत कीजिए, अपने निकट के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए, तत्काल टीका लगवाइए। और केवल आप ही नहीं, परिवार में अगर कोई बचा हो जो टीका न लगवा पाया हो तो अपने परिजनों को टीका लगवाएं, पड़ोसियों को टीका लगवाएं, रिश्तेदारों को टीका लगवाएं, ग्रामवासियों को टीका लगवाएं। यह आपकी भी ड्यूटी है कि कोई बिना टीके के ना रहे। और याद रखिए, केवल पहला टीका पर्याप्त नहीं है, पहले टीके के बाद दूसरा टीका लगवाना, मतलब वैक्सीन का दूसरा डोज लेना भी जरूरी है। और इसलिए अगर पहला टीका लगवाने के बाद समयावधि पूरी हो गई हो तो दूसरा टीका लगवाना मत भूलिए, तभी कोविड से पूरी सुरक्षा आपको मिलेगी। वैक्सीनेशन महाभियान 17 सितंबर को फिर होने वाला है। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। उस दिन व्यापक पैमाने पर अभियान चलाकर टीके लगाए जाएंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में अगर कोई रह गया हो तो खोज खोज कर कन्वेंस करके टीके लगवाएं। एक निवेदन और कर रहा हूं, तीसरी लहर का खतरा अभी तक टला नहीं है। पॉजिटिव केस कोविड के लगातार आ रहे हैं, और इसलिए मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, त्योहारों में संयम का पालन ये अत्यंत आवश्यक है। लगातार मध्य प्रदेश में हम लगभग 75,000 टेस्ट रोज कर रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत आ रही है, कुछ लोग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर रहे हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। याद रखिए, कोविड का संक्रमण फैलने का पता करने का एक ही तरीका है कि हम टेस्ट अधिकतम करते रहें। उसके लिए सैंपल जरूरी है, और सैंपल प्रदेश के हर कोने से लेना पड़ेगा। इसलिए कृपया करके सैंपल लेने अगर टीम आए तो इनकार मत कीजिए, सावधानी में ही सुरक्षा है। इस दौरान एक समस्या और खड़ी हुई है,
डेंगू का प्रकोप बढ़ा है, बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं लगातार डेंगू से जंग जनता के संग। अब हमने ये अभियान चलाने का भी फैसला किया है। सरकारी अमला अपना काम करेगा, कर रहा है, फॉगिंग लार्वा नष्ट करना, स्वच्छता, जहां जल भराव है वहां दवाई डालना, वो काम शासकीय अमला करेगा। लेकिन ये जंग भी जनता के संग लड़नी है, इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप कम से कम अपने घर में, अगर कहीं 7 दिन हो गए हो पानी भरे हुए, तो 7 दिन से ज्यादा जल का जमाव ना होने रहे, पानी की टंकी में, बर्तन में, गड्ढे में, कूलर में, अगर कहीं भी पानी भरा है तो तत्काल उस पानी को खाली करवाएं। गड्ढे इत्यादि में दवा डाली जा सकती लार्वा मारने की। स्वच्छता जरूरी है बहनों और भाइयों, हमने तय किया है 15 सितंबर को सवेरे 10 बजे से लेके 10:30 बजे के बीच आधा घंटा केवल अपना समय निकालिए, अपने घर की सफाई कीजिए, भरे पानी को पलटिए, जरूरत पड़े तो लार्वा मारने के लिए दवाई डालिए, कूलर, गड्ढे, पानी की टंकी सब चेक कर लीजिए, क्योंकि डेंगू फैलता ही है लार्वा के पनपने से। हम वो परिस्थितियां ही ना रहने दें जिसके कारण लार्वा पनपे, इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। याद रखिए 15 सितंबर सवेरे 10 बजे से 10:30 बजे के बीच हम अपने घर में लार्वा अगर है, पानी अगर भरा है, तो लार्वा को समाप्त करने का हर संभव उपाय करेंगे। डेंगू से जंग मिलकर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय। अच्छा, मस्ती और मुझसे। कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है? ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।